धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन के लिए। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर आपके पवित्र प्यार के लिए। पिता परमेश्वर जो आपने हमको दिया उसके लिए हम दिल से आपके आभारी हैं पिता, धन्यवाद हो धन्यवाद हो। हालेलुया 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 पिता हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जीवते परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी इबादत हो पिता परमेश्वर। ये पवित्र दिन के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि ये संध्याकाल का समय आपने फिर से पिता परमेश्वर हमें दिखाया है कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके। पिता परमेश्वर हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर हमारे लिए एक ऐसी योजना बनाई कि पिता परमेश्वर हम डायरेक्ट आपके साथ में पिता परमेश्वर बात कर सकते हैं। हमें किसी के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर पूरे तरीके से आपके पास में डायरेक्टली आ सकते हैं। हमारी जो भी कुछ पिता परमेश्वर इच्छाएं हैं या हमें जो भी कुछ मांगना है हमें किसी के थ्रू मांगने की ज़रूरत नहीं है पिता परमेश्वर। यह हमारे और परमेश्वर के बीच का प्रेम है जो उसने हमारे लिए रास्ता पूरे तरीके से डायरेक्ट बनाया है। पिता परमेश्वर हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति जो हमारे बीच में बनी हुई रहती है उसके लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता कि पूरा समय पिता परमेश्वर हम आपकी संगति में पाया जाए, आपके नज़दीकी में पाया जाए पिता परमेश्वर। और होने दीजिए पिता आपके वचनों को हम बहुतायत से ग्रहण करने वाले हो सके पिता। पिता परमेश्वर हम सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगरा मसीह मंडली के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आज के दिन पिता परमेश्वर आपने हमको ये मौका दिया कि प्लेटफॉर्म के ज़रिए पिता परमेश्वर हम आपकी इबादत करने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर हम प्रथम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अनुपम भैया के लिए और मैडम शबनम के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के दरवाजे हमारे लिए खोले ताकि पिता परमेश्वर के वचन को हम वो पिता परमेश्वर पेज के जरिए आपके सन्मुख लाकर आपसे आशीषें प्राप्त करने वाले हो सके पिता। पिता परमेश्वर हम सब बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, विशेषकर पिता परमेश्वर हम ये दोनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, उनके परिवारजनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, उनकी योजनाओं के लिए जो आपके लिए वो निरंतर पिता परमेश्वर रखते हैं उसके लिए पिता परमेश्वर आप उनको आशीषों से मालामाल करते हैं, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज द लॉर्ड। जो भी ऑनलाइन उपस्थित है, मुझे तो ग्रेस दीदी दिख रही हैं, पर जो भी ऑनलाइन उपस्थित है उन सबको मैं परमेश्वर के नाम से प्रेज द लॉर्ड करती हूँ। और आज के दिन को हम परमेश्वर के सन्मुख रखते हैं, आज के दिन को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो हम यहाँ पर आज उपस्थित हैं, होने दीजिए परमेश्वर कि ये जो हम जो परमेश्वर की इबादत के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वो पिता परमेश्वर वो आपकी योजनाओं में शामिल है और आपका अनुग्रह जितने भी पिता परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है हर एक पे बना रहे और विशेषकर पिता परमेश्वर जो लाइव पिता परमेश्वर ये देख रहे हैं, आपके वचनों को सुन रहे हैं, उन पर पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों को उंडे लिए और ऑफलाइन जो पिता परमेश्वर देखेंगे उन पर भी पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों को पूरे तरीके से पिता परमेश्वर उंडे लिए। पिता परमेश्वर के वचन के लिए मैं आज धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर ने जो आज अपने पवित्र आत्मा से मुझे बोलने के लिए जो वचन दिया है वो है जील ऑफ द लॉर्ड या जील फॉर द लॉर्ड। ये आज हमारा मेन टॉपिक है, उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं यशया आजिया 9:6-7
यहाँ पे इज़राइल के लोगों का वर्णन किया गया है कि किस तरीके से वे अंधियारे में चल रहे थे। उनके पास में परमेश्वर का कोई अस्तित्व जैसे नहीं था, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए जब उनके पास में मुसीबतें आती थी तो वो परमेश्वर के पास में चले जाते थे, और उसके बाद में जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता था वे परमेश्वर से दूर हो जाते थे। तो इसमें लिखा है, दूसरे वचन पे लिखा है, 9 के दूसरे वचन पे लिखा है कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी जो है ये बताई गई है, जो हमको मत्ती 4:15 में भी हम उसको पाते हैं। जल्दी से हम देख लेंगे, मत्ती 4:15। उसमें लिखा हुआ है, जुबलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यर्दन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। यही हम पुराने नियम में भी पाते हैं। तो ये इजरायली लोगों के बारे में लिखा है, पर हम यहाँ पे 6 और 7 देखेंगे, यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसी के कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसका प्रभुता, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन, झील धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यहोवा का इकलौता पुत्र वो हमारे लिए इस दुनिया में भेजेगा, और उसी की ये भविष्यवाणी की गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे झील ऑफ द लॉर्ड। हमारे मन में प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए एक जलस होना है, एक जलस पैदा हो जानी चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के साथ में अपने आप को उत्साही रख सके। विदाउट परमेश्वर या विदाउट झील हम किसी चीज़ को नहीं पा सकते। जब हम अपने दैनंदिन जीवन में भी देखते हैं, जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमको किसी चीज़ की, अगर हम बहुत उत्सुकता से हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमको प्राप्त हो जाए, तो हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे हम किसी भी सिचुएशन हमारी क्यों ना हो, हम उसके उत्साहित होने के कारण या उसको पाने के लिए हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं, चाहे वो सांसारिक वस्तु क्यों ना हो। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सांसारिक वस्तुओं के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे परमेश्वर के बारे में लिखी हुई है, कि परमेश्वर के बारे में हमको परमेश्वर को पाने के लिए एक जलस हमारे मन में निर्माण होना चाहिए, एक झील हमारे मन में निर्माण होना चाहिए, एक उत्साही करने की भावना हमारे मन में लगी रहना चाहिए, या एक प्रकार का, झील को क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता, एक प्रकार का प्राप्त करने के लिए, जिस तरीके से हरिणी को जब प्यासी होती है तो जब रेत भी चमकती है तो उसको लगता है कि वहाँ पर पानी है, और उसके लिए वो पूरे तरीके से दौड़ते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है, परंतु वो मृग तृष्णा होता है। हमारे भी जीवन में अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं कर सकते, पर एक्चुअली ज़िंदगी में देखा जाए हम उसके बगैर ही सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार हम ये सोचते ज़रूर हैं कि हमको परमेश्वर की धुन लगी हुई है या परमेश्वर को पाने की धुन हमको लगी हुई है, पर सही में देखा जाए तो क्या सचमुच में हमको परमेश्वर के पाने की धुन आध्यात्मिक रूप से लगी हुई है?
कि हम सांसारिक रूप से परमेश्वर को पाना चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे पास में ये नहीं है, परमेश्वर मेरे पास में वो नहीं है, परमेश्वर मेरा बेटा बीमार है, परमेश्वर मेरी लड़की बीमार है, मेरी माँ बीमार है, सांसारिक तौर तरीके से हम उसके पास में बहुत ही धुन लगाकर उसके पास में जाते हैं, पर क्या वो धुन हमारी परमेश्वर के लिए है या हमारे लिए है? हम अपनी अभिलाषाओं के लिए उसके पास में एक धुन लगाकर गए हुए हैं क्या? एक जलस हमारे मन में निर्माण हुआ है क्या उसके लिए कि हम किस तरीके से सचमुच में अपने अद्वैत परमेश्वर को पाने वाले हो सके, जिसने दुनिया की सारी खुशियां हमको दे रखी है, किसी भी चीज़ से उसने हमको कमी नहीं करी या किसी भी चीज़ से उसने हमारे लिए कमतरता में हमको नहीं रखा, और अगर रखा भी है तो हमको भूखा नहीं रखा, हमको नंगा नहीं रखा, हमें हमेशा अपने बाहों में भर के रखा है। जब हम तकलीफ में होते हैं हमें ये समझ में ही नहीं होता कि हमारे पिता परमेश्वर ने कब हमको गोद में उठा लिया, और परेशानियां खत्म होने के बाद में ही परमेश्वर हमारे दामन को छोड़ता, उसमें हमको पाने के लिए अभिलाषा है, वो हमारे लिए धुन लगाए रहता है कि मेरे बच्चे कब मेरे पास में आएंगे। क्या वो धुन हमारी हमारे जूते परमेश्वर के लिए है? आज हम अपने आप को खुद को सोचें कि हम कौन सी धुन में लगे हुए हैं, कौन सी धुन जो है जो हमको परमेश्वर के पास में ले जा रही है, या हम केवल और केवल परमेश्वर को ही प्राप्त करना चाहते हैं हमारी सांसारिक चीज़ों को छोड़कर, क्योंकि सांसारिक जो चीज़ें हैं मनुष्य को कहीं ना कहीं से प्राप्त होती है, आज नहीं प्राप्त होगी तो बाद में प्राप्त होगी, पर उसको वो जो चीज़ें हैं वो प्राप्त होती है। परमेश्वर किसी भी चीज़ से हमको अलहिदा नहीं रखता, दूर नहीं रखता, परमेश्वर जानता है कि हमारी क्या क्या हमारी नीड्स है, हमारी नीड वो जानता है, पर हम उसको अलग 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 तरीके से गर्भवती करते चले जाते हैं कि आज हमारी नीड छोटी सी होती है और फिर उसको पाने के लिए हम बड़ी 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 अभिलाषाओं के पीछे चले जाते हैं, हमारी धुन हमारा जील वो चीज़ों को प्राप्त करने के पीछे में चला जाता है, हम परमेश्वर के साथ में जलस नहीं है, हम परमेश्वर को पाने के लिए उत्साहित नहीं है। ये हम देखते हैं जिस तरीके से रोमन्स 10:1-2 में लिखा हुआ है, जिस तरीके से यीशु मसीह परमेश्वर ये पौलुस के वचन जो है कि हे भाइयों मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, ये इज़राइलाइट्स के लिए इसने लिखा है पौलुस ने कि मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। उसको एक हम लोगों के लिए बोलना चाहिए जो इज़राइलाइट्स पहले थे, आज हम भी इज़राइलाइट्स हैं, उसको एक धुन सी सवार थी, वो चाहता था कि परमेश्वर के जन परमेश्वर के पास में आए, एक उत्सुकता के साथ में परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर की एक पाने की एक अभिलाषा उनके मन में जागृत हो जाए, और वो अभिलाषा जो है वो प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से दूसरे लोगों के लिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है, दूसरों के लिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है, और क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। हम भी कहते हैं ना, हमको परमेश्वर की धुन है, हम परमेश्वर को पाना चाहते हैं, परंतु आगे लिखा है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, हमारी बुद्धि कोई मायने नहीं रखती। अगर हम बुद्धि के साथ में परमेश्वर को पाना चाहते हैं, अगर हम बुद्धि को अपने साथ में रख के एक धुन हमारे मन में परमेश्वर के लिए बनाना चाहते हैं, तो वो कभी हमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हम बुद्धि के साथ में सब कुछ काम कर रहे हैं। जिस तरीके से समुपदेशक का लिखने वाला सुलेमान कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है, बुद्धि भी व्यर्थ है, पैसा भी व्यर्थ है, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ व्यर्थ है, तो इस तरीके से पौलुस भी यहां पर कहता है कि मैं उनकी गवाही देता हूं, इज़राइलाइट्स लोगों की मैं गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु
बुद्धिमानी के साथ में नहीं रहती। वो धार्मिकता को स्थापित तो करना चाहते हैं, बड़े जल्दी उत्साहित हो जाते हैं धार्मिकता से अनजान रहने के बावजूद भी छोटी सी बात में। जैसे आज हमारा क्रिसमस नज़दीक आते जा रहा है, बस दो ही दिन रह गए क्रिसमस के लिए, हम बड़े उत्साहित हैं, हम बहुत उत्साहित हैं कि हमको परमेश्वर के बर्थडे को हम मनाने जा रहे हैं। पर जो धुन परमेश्वर चाहता है, जो झील परमेश्वर चाहता है, जो हमारे मन में परमेश्वर जलस उत्पन्न करना चाहता है, क्या वो धार्मिकता से भरी हुई है कि हम बुद्धिमानी से सोच रहे हैं कि बस अब दो ही दिन रह गए हैं क्रिसमस को आने के लिए, हमारे पास में हमारा बड़ा दिन क्रिसमस आने वाला है और उसके बाद में चर्च जाने के बाद में वो सारी झील खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो झील जो है वो बुद्धिमानी से है। हम परमेश्वर के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक नहीं हैं जितने हम क्रिसमस के लिए उत्सुक हैं। पर परमेश्वर कहता है कि जब हम अपनी धार्मिकता को स्थापित करना चाहते हैं तो क्या हम बचाए जाएंगे, क्योंकि हम अपनी धार्मिकता को अपने रूप से परमेश्वर को ढालना चाह रहे हैं, अपनी बुद्धिमानी से हम परमेश्वर को ढालना चाह रहे हैं। हम परमेश्वर के साथ में जो व्यवहार कर रहे हैं वो अपने बुद्धि के साथ में कर रहे हैं। हम परमेश्वर को समय ही नहीं दे रहे हैं कि उसने हमारे लिए क्या करना है, हम में वो उमंग ही नहीं है कि परमेश्वर तू हमारे लिए क्या करेगा, परमेश्वर तू हमारे लिए कौन सा रास्ता खोलेगा, कौन सा स्वर्गीय देश हमको तू देगा जिसके लिए तू हमारे लिए तैयारी करने गया हुआ है। वो बात हम सोचते ही नहीं, परमेश्वर के वचन को हम सही तरीके से पढ़ते ही नहीं, तो किस तरीके से हमारे मन में परमेश्वर के लिए उमंग जागेगी। परंतु पौलुस कहता है कि मैं उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इसराइलाइट्स के लिए जो आज हम हैं उन लोगों के लिए पौलुस प्रार्थना करता है कि ये लोग तुझे बुद्धिमानी से प्राप्त ना करें बल्कि पूरे तरीके से तुझ पर न्योछावर हो जाए, अपना सब कुछ तुझे अर्पण कर दे, तन मन धन बुद्धि सब कुछ तुझे अर्पण कर दे और जैसा तू चाहे, जैसा तू उन्हें बनाना चाहता है वैसा तो उन्हें बना। हम पौलुस के बारे में भी जानते हैं कि पौलुस को जो झील थी पहले, उसको क्या झील थी पहले, वो ये सोचता था कि मैं परमेश्वर के लोगों को किस तरीके से सताऊं, यीशु मसीह के फॉलोअर्स को मैं किस तरीके से तकलीफ दूं, यीशु मसीह के लोगों को मैं किस तरीके से मारूं या किस तरीके से उसको, जब तक यीशु मसीह ने उसको दर्शन नहीं दिया उसकी झील यीशु मसीह के अगेंस्ट थी, वो यीशु मसीह के बारे में उमंग नहीं थी उसको, बल्कि वो यीशु मसीह के लोगों को मारना चाहता था, उनको सताना चाहता था, परमेश्वर के विरोध में उसकी धुन समाई हुई थी उसके मन में, परमेश्वर के विरोध में वो सोचता था। एक मसीह के पैशन, उसको मसीह का पैशन नहीं था, वो पूरे तरीके से अगर उसको पैशन था या उसको जो धुन थी वो परमेश्वर के लोगों को सताने की धुन थी, परमेश्वर के लोगों को मारने की धुन थी और एक जुनून उसमें सवार था। वो जुनून जो था वो यीशु मसीह के अगेंस्ट था, परमेश्वर के लोगों के उसके मन में जो जुनून थी वो असमान रूप से पूरे तरीके से असमानता समय जूझा हुआ था, वो बंधा हुआ था असमानता में और सफलता पाना उसके लिए एक, परमेश्वर के लोगों को सताने में वो सफलता पाता था। हम देखते हैं कि पौलुस ने कितना उसको लोगों को उसने तकलीफ दिया यीशु मसीह के विरुद्ध में, पहले कितना उसने तकलीफ दिया पूरे तरीके से उन लोगों को पकड़ना, उनको मारना, उनको पीटना, उनको गलत गलत तकलीफ़ें में डालना, उनमें उनके ऊपर गलत गलत आरोप लगाना, उनको पीड़ाएं देना, है ना,
यहाँ तक कि उनको पत्थरवाह करना, है ना, पत्थरवाह भी करवाता था वो, गिरफ्तार करवाता था वो, और वो चाहता था कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सजा हो, बल्कि वो तो ये चाहता था इन्हें मृत्यु दंड मिले, यानी वो उनको मार डालना चाहता था, परमेश्वर के लोगों को मार डालना चाहता था। ये झील उसमें थी उस समय, ये झील उसमें थी उस समय, और हम देखते हैं कि यही जुनून उसमें था जो परमेश्वर के विरोध में था, और उसने परमेश्वर के विरोध में जितना उससे जमता था उससे भी ज्यादा उसने परमेश्वर के लोगों को तकलीफ दी। वो बिल्कुल भी यीशु मसीह को नहीं प्यार करता था, वो क्रिश्चियनिटी को बिल्कुल भी नहीं चाहता था, वो बहुत ही ज्यादा यीशु मसीह से चिढ़ने वाला व्यक्ति था, परंतु उसका जुनून काहे में परिवर्तित हो गया यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसका जुनून किस तरीके से, पूरे तरीके से जो जुनून परमेश्वर के लोगों को तकलीफ देने में था, सताने में था, वो पूरे तरीके से हट गया और उसका जुनून केवल और केवल जीवित मसीहा हो गया। वो कहता है वो अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देता है, जीना मेरे लिए मसीह और मेरा मरना मेरे लिए, जीना मेरे लिए वो है, वो वचन मुझे याद नहीं आ रहा। तो जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जिस किस पर भी दया करना चाहूं उस पर मैं दया करूंगा, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस किसी पर मैं दया करना चाहता हूं उस पर मैं दया करूंगा। और बाइबल में जब हम देखते हैं कि पौलुस के लिए परमेश्वर की यही योजना थी, परमेश्वर के लिए यही योजना थी कि पौलुस को वो किस तरीके से चुन लेगा, उसके ऊपर वो किस तरीके से दया करेगा, और दया के द्वारा उसको किस तरीके से वो परिवर्तित कर देगा। जो झील उसमें परमेश्वर के विरोध की थी, वही उससे भी ज़्यादा कहीं झलस उसको परमेश्वर के लिए लग गई। परमेश्वर के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, वो जलस और ये जलस दोनों भी डिफरेंट थी। परंतु हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति जो था पौलुस, ये एक कुख्यात परमेश्वर का विरोधी कहलाया। पहले कुख्यात रूप से वो परमेश्वर के लोगों को सताता था, परंतु जब वो उभरा, परमेश्वर ने जब उसको दर्शन किया, तो उसका डेडिकेशन, पॉल का डेडिकेशन क्या था हम अच्छी तरीके से जानते हैं। यही उसके लिए यीशु मसीह के पास आने का अवसर बना। जो सताता था वो परमेश्वर के लोगों को, जो उसके पास में गलत झील थी, यही उसको पूरे तरीके से डेडिकेट कर दिया परमेश्वर के पैरों पर, पूरे तरीके से यीशु मसीह के पास आने का अवसर बना, उसको प्रमोशन मिला, और अनेक बदनामियों को भी इसके बाद उसने झेला। ये प्रमोशन जो मिला वो उसके लिए खुशी नहीं थी, वो उसके लिए दुख लेकर आया, वो उसके लिए तकलीफ लेकर आया, वो उसके लिए पीड़ाओं को लेकर आया, पर फिर भी इतना होने पे भी यीशु मसीह की धुन उसमें समाई हुई रही। वो नहीं छोड़ा उसने यीशु मसीह को, इतनी तकलीफ के बावजूद भी उसने नहीं छोड़ा। और जब पौलुस को ये धुन थी कि मैं परमेश्वर के लोगों को कैसे मारूं, उस समय हम देखते हैं स्तिफनुस की धुन, कैसा वो परमेश्वर के लिए एक रूप हो गया था, कैसा वो परमेश्वर के लिए समर्पित हो गया था। प्रेरितों के काम 7 में जो उसने पूरा परमेश्वर के लिए अपनी गवाही दी है, वो सब हम जानते हैं कि किस तरीके से उसने मार भी खा रहा था, पत्थरवाह भी उसके ऊपर हो रहा था, तो भी वो परमेश्वर की गवाही देता रहा। यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ये इसीलिए हुआ कि उसमें परमेश्वर की धुन समाई हुई थी, उसके उसमें परमेश्वर का, किस तरीके से मैं परमेश्वर को पहनूं, किस तरीके से मैं परमेश्वर को पालूं,
स्टीफनुस के भाषण को पढ़िएगा आप, तब हम देखेंगे कि उसमें परमेश्वर के लिए कैसी झलस थी। और वही स्टीफनुस को मारने वाला वो पौलुस था जिसमें अलग धुन थी उस समय। बड़े बड़े पत्थरों से उसका पत्थरवाह किया गया, वो मर गया, पर स्टीफनुस के अंदर उस समय तो परमेश्वर की धुन थी। परमेश्वर खुद उसमें समाया हुआ था, उसे सामर्थ दे रहा था परमेश्वर, क्योंकि उसने उसके लिए बोया था। शुरू में उसने बोया, परमेश्वर के लिए उसने बोया, तभी तो जाकर उसने इतना अच्छा फल, हम कहेंगे कि आप कैसे कहते हो कि इतना अच्छा फल उसको मिला, उसकी तो बहुत तकलीफों से मृत्यु हुई, पर वही तो उसको अनंत जीवन में लेकर गया, अनंत जीवन उसको मिला। हम देखते हैं थोमा, थोमा के बारे में भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि थोमा जो था, जिसने यीशु मसीह का इनकार किया कि जब तक मैं उसके पंजरी में हाथ न डाल दूं, तब तक मैं ये विश्वास ही नहीं करूंगा कि यीशु मसीह जिंदा हो उठे। हालांकि उसने हाथ नहीं डाला, बाद में जब यीशु मसीह सामने आए उसने हाथ नहीं डाला, बल्कि यीशु मसीह के पैर पर गिरकर उसने क्षमा मांगी, और वहां से उसका झील परिवर्तित हो गया। झील फॉर लॉर्ड उसका किस तरीके से चेंज हुआ ये हम देखते हैं, किस तरीके से उसने परमेश्वर के प्रचार के लिए यीशु मसीह को अपने द्वारा दर्शाने के लिए, यीशु मसीह की जो झील उसमें समाई हुई है, कहाँ से वो इंडिया में आया, और इंडिया में आकर उसने क्रिश्चियनिटी को स्थापित किया। कई तकलीफों से गुजरा, पर इन लोगों में ना परमेश्वर का एक धुन लगी हुई थी। मैं नहीं जानती हम लोगों को वो धुन कब लगेगी परमेश्वर की। हम तो संसार को भी लेना चाहते हैं और परमेश्वर की भी झील चाहते हैं। हम दोनों तरफ से तराजू में हम एक तरफ यीशु मसीह को रखते हैं और एक तरफ हम संसार को रखते हैं, और हमारा जो पलड़ा होता है ना वो संसार का भारी होता है। यीशु मसीह नीचे ही आ जाता है, हमारा पलड़ा सांसारिक रूप से ऊपर ही रहता है। हम में धुन अभी भी संसार की लगी हुई है। क्या हम स्टीफनुस हैं, क्या हम पौलुस हैं, या क्या हम थोमा हैं? बाकी पत्रस के बारे में आप जानते हैं, उसके साथ साथ में जो जो रहते थे, तिमुथियुस, तीतुस, इतने सारे के सारे लोगों के नाम आप जानते हैं। बंदी गृह में जब इनको डाल दिया जाता था, किस तरीके से वो बंदी गृह में रह के भी परमेश्वर की उपासना किया करते थे, परमेश्वर के नाम से बढ़ाई किया करते थे, विश्वासियों की प्रार्थना, जो ऐसा नहीं कि चेले लोग ही धुन में लगे रहते थे, परंतु हम प्रेरितों 4:23 में देखेंगे वे छूटकर अपने साथियों के पास में आए। दोनों भी छूटकर, पत्रस और यूहन्ना छूटकर अपने साथियों के पास आए, और जो कुछ प्रधान याचकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर, जितने विश्वासी वहां पर बैठे हुए थे, एक चित्त होकर, एक धुन में, एक झलस उनमें एक निर्माण हुई, एक धुन उनमें निर्माण हुई, एक झील ऑफ द लॉर्ड उनमें पैदा हुआ। उनके साथ जितने भी विश्वासी थे, और यह सुनकर, क्योंकि उनको तो जेल में बंद कर दिया गया था, लोगों ने डरना चाहिए कि अगर हम फिर से यीशु मसीह का नाम लेंगे तो ये हमको फिर से पकड़ के जेल में डाल देंगे। उस समय जेल पहले जैसा, पहले का जेल और अब के जेल में जमीन और आसमान का अंतर है, पर वो नहीं डरे। इसमें लिखा है कि उन्होंने एक चित्त होकर, और सिर्फ एक चित्त नहीं हुए बल्कि ऊंचे शब्दों से परमेश्वर से कहा, वो नहीं डरे। हम तो जोर से हालेलुया बोलने को भी डरते हैं, क्योंकि हमारे आजू बाजू में सब हिंदूज हैं, बड़े बड़े हाई कास्ट के हिंदूज हैं, बहुत अमीर लोग हैं, उनके सामने हम हालेलुया बोलने को डरते हैं। कह रही ये लोग सोचेंगे ये क्या बोल रही हालेलुया, ये समझेंगे भी नहीं वो लोग ये क्या बोल रही है, पर हम
हमारी झील उस समय कुछ बदल जाती है। परंतु इन लोगों ने ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, हे अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया। आगे हम नहीं पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं। और 29 में कहते हैं, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे। क्या वरदान मांग रहे हैं? पैसा मांग रहे हैं, सेहत मांग रहे हैं, किसी और के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ मांग रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए हमारे बच्चों को बाहर भेज मांग रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा वरदान दे कि तेरा वचन हम बड़े हियाव से दूसरों को सुनाए, तेरा वचन हम बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। यह है धुन जो हम में नहीं है प्रियो। हम तो डरते हैं कहाँ यीशु मसीह का नाम ले और कहाँ ना ले, कहाँ हालेलुया बोले कहाँ ना बोले। चर्च में हम बहुत जोर जोर से हालेलुया बोलते हैं, है ना, अपने लोगों के बीच में हम परमेश्वर का बहुत जोर जोर से नाम लेते हैं। परंतु जब हम ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ सारे हिंदूस हैं, वहाँ हम खामोश हो जाते हैं। पर यहाँ पर उन्होंने प्रभु की धमकियों को प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम दासों को ये वरदान दे कि हम परमेश्वर के नाम से तेरे वचन को बड़े हियाव से सुनाए। बताइए, इतना होने के बावजूद भी वचन सुनाना चाहते हैं वो, जबकि वो जेल में बंद थे, जेल में बंद थे वो। यह झील परमेश्वर के लिए, ये शब्द का उपयोग मैं आज करती रहूँगी। और सिर्फ यही शब्द का उपयोग करना नहीं है मुझे, बल्कि हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से परमेश्वर के लिए चुने जाएं और परमेश्वर की धुन हम में समा जाए। हम देखते हैं पौलुस के भी जीवन में हमने देखा कि उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा। पर पौलुस का जीवन कोई साधा नहीं था। पतरस के भी जीवन को देख लीजिए आप, सारे हम चेले और उसके विश्वासियों के जीवन को हम देख सकते हैं कि पतरस ने भी अपने जीवन में यीशु मसीह को इनकारा, तीन ही बार इनकारा उसने, तो उसने तीन ही बार इनकारा। और हम खुद अपना एनालिसिस करें कि हम परमेश्वर को कितने बार इनकार करते हैं। उसने सिर्फ तीन बार इनकारा। हमने तो यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन को भी नहीं देखा। हम तो यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन को जो हम सुनते हैं उसी से हम दहल जाते हैं, सिर्फ दहल जाते हैं, पर हमारे पास में वो उमंग नहीं रहती कि हम परमेश्वर का सामना करने पाए, परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए, हम लोगों के सामने खड़े होकर परमेश्वर के बारे में खुल्लम खुल्ला उसका प्रचार करने वाले हो सके। चंगा करने के लिए परमेश्वर के नाम का हम उपयोग करने वाले हो सके। उसके बाद में हम पतरस के भी जीवन को देखते हैं कि पतरस का जीवन भी किस तरीके से बदल गया। कई ऐसे बाइबल में उदाहरण हैं, कई ऐसे बाइबल में हम उदाहरण देखते हैं। हम एस्तेर रानी के बारे में भी देखते हैं कि किस तरीके से मोर्दकै के कहने के बाद में वो रानी जब राजा के पास में जाने का समय नहीं होता, पर परमेश्वर की झील को लेकर वो राजा के सामने जाती है बिना डरे, क्योंकि वो तो जानती है कि अगर उसका समय नहीं हुआ है और वो राजा के पास में जाती है तो राजा उसको कठोर से कठोर सजा देते हैं जो रानियों का समय नहीं हुआ रहता। परंतु वो उस चीज़ से नहीं डरी क्योंकि उसमें परमेश्वर का झील आ गया और वो उस इसमें उसका समय नहीं था, तो भी वो राजा के पास में जाती है और अपनी मन्नतों को रखती है और राजा उसको मानता है क्योंकि उसमें परमेश्वर की झलक देखता है राजा एस्तेर रानी में। पूरा बाइबल हमारा ऐसे ही पढ़ा हुआ है। मूसा के बारे में भी हम देख सकते हैं कि मूसा को कैसे, पहले वो कितना एक्सक्यूजेस देता है
कि मैं तो हकलाता हूँ, मैं तो बोल नहीं पाता हूँ, मुझे नहीं जमेगा, यूं त्यों। परंतु ईश्वर परमेश्वर ने जब उसका सहारा लिया तो मूसा ने भी अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर पे समर्पित कर दिया, पर उसको कनान देश में भी जाने को नहीं मिला। हम यहोशू को ले लें, कौन था यहोशू? एक छोटा सा पिता सा मूसा का सेवक था। वो जब ऊपर चढ़ता था, पहाड़ पर चढ़ता था, तो यहोशू नीचे बैठा रहता था उसका इंतजार करते हुए। जब उनको कनान देश में भेजा गया तो जो कालेब और यहोशू की जो गवाही थी वो पॉजिटिव गवाही थी, उन्होंने निगेटिव गवाही दूसरों की तरह ना नहीं दी। वो एक परमेश्वर के जील को लेकर गए थे, उन्होंने परमेश्वर को अपने साथ में लेकर गए थे और इसलिए उनकी गवाही निगेटिव नहीं थी। हम पर और कितने कितने ऐसे उदाहरण दें जो परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से अपने लोगों के द्वारा अपने कामों को करवाया, और आज भी कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के लिए काम करते हैं और विदाउट मर्मरिंग वो परमेश्वर के लिए काम करते हैं। मैं दूसरों के बारे में तो नहीं जानती, मैं अपने पास्टर को ही जब देखती हूँ, इतने बिजी होते हैं, पर उनके गुजरात में भी चर्चेस है, नासिक में भी चर्चेस है, सब जगह बहुत जगह चर्चेस है। तो वहाँ पे 24th को क्रिसमस का प्रोग्राम करने के लिए वो नासिक क्या बोलते गुजरात जाना है उनको, परंतु उनको रेलवे की टिकट कन्फर्म नहीं हो पाई, नहीं मिली उनको रेलवे की टिकट। पर उनमें एक झील था, और जब पास्टर साहब ने अपनी गवाही को लिखा कि मेरे पास में रेलवे का टिकट रिजर्वेशन नहीं है, परंतु मैं मेरे लिए तुम लोग सब प्रार्थना करो, मैं यहाँ से बॉम्बे बाय फ्लाइट जाता हूँ और वहाँ से मैं ट्रेन पकड़ के गुजरात जाऊँगा। ये है झील, ये है परमेश्वर के लिए समर्पण। उनका क्रिसमस नहीं है क्या? उनकी फैमिली नहीं है? उनका भी तो सब कुछ है ना, उनका तो अभी छोटा सा नाती भी है 2 साल का। कितनी सारी उनकी इच्छा होगी कि मैं मेरे नाती के लिए ये लूँ, वो लूँ, वो लूँ, वो लूँ, परंतु उन्होंने प्रथम स्थान किसको दिया? किसको दिया? परमेश्वर को दिया, यीशु मसीह को दिया। और वो झील उनमें थी कि इतना होने के बावजूद भी यहाँ से फ्लाइट से बॉम्बे जाएंगे और वहाँ से बॉम्बे से फिर वो गुजरात के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। और उनके जो पास्टर जो नासिक में भी चर्च है, हमारा हार्वेस्ट चर्च है, इगतपुरी में भी है, तो वहाँ से उनको वो फ़ोन करके बोला कि तुम पहले वहाँ पर गुजरात में चले जाओ। गुजरात में या कहाँ, हमारे इगतपुरी में, कहाँ शायद गुजरात में ही है कार्यक्रम, कहीं पे भी क्यों ना। इसको कहते हैं परमेश्वर के नाम का, परमेश्वर की जलस, परमेश्वर का नाम का झील। ये है उमंग, और 25 को आने वाले हैं वो, और 25 को हमारे मॉर्निंग में, हमारे काफ़ी दूर है एक जगह, वहाँ पर मॉर्निंग का चर्च है और इवनिंग का चर्च हमारा अलग से है। वो बड़े पैमाने पे जो है वो इवनिंग को है, और पार्डी करके एक है वहाँ पर मॉर्निंग चर्च है, और उसके लिए फिर वो कब आएंगे पता नहीं, और फिर आकर वो इमीडिएटली चर्च के लिए चले जाएंगे, और शाम को फिर उनको लिए उनका चर्च रहेगा हमारा, सब लोग मिलकर इकट्ठा होकर। तो इसको कहते हैं परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। आज ये लोग नहीं है, ऐसा नहीं, चाहे वो मुट्ठी भर लोग भी क्यों ना हो, उनको देखकर हम सीखते हैं कि हमें परमेश्वर की किस तरीके से सेवा करना है। हम तो अपना सिर्फ बैठ के काम करते हैं, इतना जाने के बाद थक जाएंगे, थोड़ी देर बाद में हम सो जाएंगे कि बाप रे मैं तो बहुत थक गई हूँ, यहाँ से मैं बॉम्बे आई, बॉम्बे से फिर मैं गुजरात गई, कितनी थक गई हूँ मैं, थोड़ा रेस्ट तो कर लूँ। पर उनके पास तो रेस्ट करने का भी मौका नहीं है। यह है परमेश्वर की उमंग,
ये है परमेश्वर के पास जाने की चाहत, और ये है सच्चा क्रिसमस। ये है सच्चा क्रिसमस, अपने आप का बलिदान करना, अपने शरीर की इच्छाओं का बलिदान करना, अपने सुखों का बलिदान करना, केवल परमेश्वर को अपनी आंखों के सामने रख के परमेश्वर के कार्य के लिए निकल जाना। ये सच्ची धुन है जो आजकल के लोगों में भी पाई जाती है। तो हम दूसरों का तो देखकर उससे हमने क्या सीखना है, हमको यही देखना है कि हम दूसरों के बारे में जब बोलते हैं तो हमने उनको जब हमारे आंखों के सामने वो उदाहरण है, हम क्या सीखते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं का नाम लेते रहते हैं, हम में नहीं है क्या वो जील? वो तो हमको स्वर्गीय देश का रास्ता बताते हैं कि तुमको इस तरीके से करना है, जो वो कर रहे हैं वो हमको भी करना है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारे पास्टर करेंगे और तुम स्वर्गीय देश में जाओगे, ऐसा नहीं कहा। हमको भी करना है, हर एक को अलग 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 करना है। पौलुस के साथ में उसके सेवक साथीदार नहीं चले गए, साथियों ने भी उतना ही सैक्रिफाइस किया। हम पढ़ेंगे गलातियों 1:11-14। पौलुस कैसे प्रेरित बना? हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं। स्पष्ट रूप से कहता है वो कि मैं जो तुमको परमेश्वर का तुमको सुसमाचार सुनाता हूँ वो किसी मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है, या मैं अपनी बुद्धि से उसको नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरी शक्ति लगा के उसको नहीं बोल रहा हूँ, या मैं उसको मेरे तरीके से उसको मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, या मेरे तरीके से उसको मैं मोड़ मरोड़ के उसको भाषण को तैयार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। उस समय हम देखते हैं कि उस समय कोई चर्चेस या कोई पास्टर्स या कोई प्रचारक या कोई ऐसे कि जो पौलुस को सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं था। वो तो परमेश्वर ही योजना बनाता था और परमेश्वर का प्रकाशन उनको मिलता था, और उस तरीके से वो फिर परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते थे। यहूदी मत में जो पहले मेरे चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। वो बताता है कि मैं क्या करता था, मैं कैसा था, मेरा चरित्र क्या था, वो छिपाता नहीं है। वो हर जगह अपनी गवाही को देता है पौलुस। हम तो सोचेंगे कि अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, वो नहीं सोचता, क्योंकि वो मनुष्यों का निर्मित भाषण नहीं दे रहा ना, मनुष्य द्वारा निर्मित भाषण नहीं दे रहा। उसको जिस तरीके से यीशु मसीह से प्रकाशन मिलता है उस तरीके से वो बोलता है। सभी चेले, सभी विश्वासी अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादाओं की परंपरा के लिए बहुत उत्साहित था। मनुष्य की बनाई हुई परंपराओं के लिए बहुत ज़्यादा खुश रहता था, वो उसमें चलना उसको अच्छा लगता था, यहूदी मत को प्रकट करना उसको अच्छा लगता था बहुत ज़्यादा। वो और भी ज़्यादा अपने आप को यहूदियों के मत को और भी ज़्यादा वो ग्रहण करना चाहता था, क्योंकि वो बहुत होशियार था वो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लिखता है कि मैं कैसा था। कैसा था वो बताता है। इसीलिए हम देखते हैं कि इसमें हम 12-14 भी पढ़ेंगे। नहीं, 12-14 हमने पढ़ा और हमने देखा कि परमेश्वर का किस तरीके से उसको प्रकाशन मिलता है, और ये परमेश्वर ये जो कार्य करता है ना, वो एक उम्मीद के साथ में करता था, एक उत्साह के साथ में करता था। उसको उम्मीद ये रहती थी कि जिस तरीके से मेरा परिवर्तन हुआ, जिस तरीके से यीशु मसीह ने मुझको चुना, कि
हे शाउल तू मुझे क्यों सताता है। इतने में उसका परिवर्तन हुआ और वही वो चाहता था कि जो यीशु मसीह को नहीं पहचानते उनको वो यीशु मसीह की पहचान दिलाना चाहता था। वो सच्चा परमेश्वर को प्रकट करना चाहता था। वो यहूदी मत से अलग हो चुका था और परमेश्वर को पूरे तरीके से, परमेश्वर जिस तरीके से उसको सिखाते थे, जिस तरीके से उसको प्रकाशन मिलता था, वो गवाही दे दे कर लोगों को बताता था, लोगों के सामने वो गवाही देता था। 16 और 17 भी हम देख लेंगे कि जब इच्छा हुई कि मुझमें अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना तो मैंने मांस और लहू से सलाह ली, मनुष्यों से सलाह नहीं ली, मांस और लहू से मनुष्यों से मैंने सलाह नहीं ली, और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया, जहां उसका परिवर्तन हुआ था दमिश्क में, वहां वो लौट आता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर हमको भी इस जुनून से काम करना है, हम में भी ये जुनून होना चाहिए कि हम जीवते परमेश्वर के लिए क्या करें, किस तरीके से हम अपने जीवित परमेश्वर को खुश करें, अपने अंगों की अभिलाषाओं को दूर रखें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश ना करें। हमको खुश रखने वाला, हमको ताकत देने वाला, हमको सेहत देने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर अभी हमारे साथ में रहता है 24 घंटे, वो हमको नहीं छोड़ता। हमको बहुत बड़ा वादा मिला है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, और हमें क्या चाहिए। और इसलिए हमारे जीवते परमेश्वर के लिए, परंतु ये एक शब्द ही हमारा परिपूर्ण नहीं है कि हम कह सकते हैं कि हमें परमेश्वर के लिए एक जलस है। ये केवल शब्द नहीं होना चाहिए। शब्द जो है ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ नहीं होना चाहिए कि मुझ में एक झील है परमेश्वर को पाने की। ये मैं सिर्फ बोल रही हूँ, ये मेरे मुंह से केवल शब्द निकल रहे हैं, परंतु वो जो शब्द है वो वचन बन जाना चाहिए। वचन देहधारी हमारे जीवन में हो जाना चाहिए, वो वचन हमारे जीवन में देहधारी हो जाना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर को लोगों के सामने प्रकट करने वाले हो सके और हम किसी भी किस्म से परमेश्वर को हासिल करने के लिए अपने आप को कुर्बान करते चले जाएं। ये हमारे भीतर एक ऐसा गुण अगर हम निर्माण करना चाहते हैं ना, तो परमेश्वर निश्चित ही हमको अपने द्वारा प्रकाशन देगा कि हमें क्या करना है। जिस तरीके से पौलुस को जरूर उसने चुना, पत्रस को भी उसने, सब चेलों को उनके विश्वासियों को दिखा, तो परंतु उन्होंने यही किया, पवित्र आत्मा के द्वारा वो उनसे बात करता चला गया और ये लोगों ने परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। हम भी देखते हैं कि हमारी ऐसे, अगर हम चाहते हैं तो वो हमारे भीतर भी ऐसे गुणों को निर्माण करवाएगा जो मन, शरीर और आत्मा को प्रतिदिन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें परिस्थितियों के परवाह ना करते हुए एक परमेश्वर के प्रति बिना डर, बिना भय के हम लोगों के सामने अपने परमेश्वर को प्रकट करें, अपने यीशु मसीह को दर्शाएं। और ये काम हम कब कर सकते हैं, ये काम लोगों को कब दिखेंगे, जब हम हमारे जीवन में ऐसे कार्यों को करेंगे। उसमें हमको घबराना नहीं है, जीत हो या हार हो, हम सताए जाएं या मारे जाएं, हमको इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी है, बल्कि हमको परमेश्वर को अपने कार्यों के द्वारा, वचनों के द्वारा, सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से, पवित्र शरीर से और पवित्र हृदय से हमको परमेश्वर को अपने काम के द्वारा प्रकट करना है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, सच में
में पिता परमेश्वर, ये जो वचन पिता परमेश्वर आपके द्वारा पिता परमेश्वर हम बोलने पाए, आपके सामर्थ्य के द्वारा पिता परमेश्वर ये वचन जो हमने बोला उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, कि ये वचन को बोलने वाले हमारे मुख का ज़रूर उपयोग हुआ, परंतु पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचन हमने जब बोला वो पिता परमेश्वर आपके पवित्र पवित्र वचन जो बोलते हैं वो पवित्रता के कारण ही हम उसको पिता परमेश्वर एक्सप्लेन करने वाले होते हैं, क्योंकि आपकी सामर्थ्य हमारे साथ में रहती है। आप पिता परमेश्वर हमारे मुख से बातें करते हैं, आप हमें पिता परमेश्वर उस समय संभालते हैं, और पिता परमेश्वर हमें ऐसे वचनों को बताने की हिम्मत देते हैं पिता परमेश्वर, और वो हिम्मत जो है वो आध्यात्मिक रूप की होती है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, सचमुच में ऐसी पिता परमेश्वर धुन हमारे बीच में सबके बीच में लग जाए पिता, एक ऐसी आग हमारे शरीर में लग जाए पिता परमेश्वर, जिस आग के द्वारा पिता परमेश्वर हम अपने आप को दूसरों के सामने प्रकट करने वाली हो वाले हो सके पिता, वो आग निरंतर हम में पिता परमेश्वर जलती रहे पिता। ऐसा नहीं कि आज हम बोल रहे हैं तो वो आग हमारे बीच में जल रही है और बोलने के बाद में वो आग बुझ जाए, वो निरंतर पिता परमेश्वर हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में, हमारे मनों में, हमारे हृदय में पिता परमेश्वर धधकती रहे पिता, ताकि पिता परमेश्वर हम लोगों को भी आपके बारे में खुल्लम खुल्ला बता सकें। हम पिता परमेश्वर इस बात से न डरे कि वो लोग हमें क्या कहेंगे, या वो हमारे साथ में संबंध तोड़ देंगे, या वो हमारे लिए गलत बातें करेंगे, हमें इन सब बातों की परवाह नहीं करनी। जब यीशु मसीह ने अपनी खुद की जान हमारे लिए दे दी तो क्या हम उस पवित्र परमेश्वर के लिए जो मर कर भी जिंदा हो गया उसके लिए क्या हम अपनी कुर्बानी नहीं दे सकते। पिता परमेश्वर हमें भी ये मौका दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए सेवा करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो सबको, पिता परमेश्वर के नाम से हर किसी को प्रेज द लॉर्ड, आमीन।